LaTeX में Mathematical Typesetting पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। याद रखें, हमें इसे LaTeX कहना चाहिए न कि LaTeX। इस ट्यूटोरियल में हम LaTeX में गणितीय चिन्हों को बनाना सीखेंगे, विशेष रूप से गणितीय मोड में जाना और इससे बाहर निकलना, स्पेसेस का कार्य और उनको बनाना सीखेंगे, गणितीय चिन्ह, अंततः AMS मैथ पैकेज और मैट्रिसेस बनाने में उसका उपयोग। मैं इस ट्यूटोरियल को अपने 10,000 रुपए से कम के लैपटॉप पर बना रही हूँ। मैं Ubuntu, TechWorks और LaTeX उपयोग कर रही हूँ। पूर्वापेक्षाएं निम्न हैं: LaTeX पर बुनियादी स्पोकन ट्यूटोरियल्स, साइड बाय साइड ट्यूटोरियल की जानकारी, सभी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। मैं maths.tech फाइल उपयोग करूंगी। यह हमारे वेब पेज में कोड फाइल में उपलब्ध है जहां आपने यह ट्यूटोरियल देखा। उसी स्थान पर आपको Tech User Group India से यह PDF फाइल मिलेगी। नियत कार्यों के समय हम इसे उपयोग करेंगे। अब मैं TechWorks विंडो पर जाती हूँ। मैंने पहले ही maths.tech फाइल खोल ली है। कृपया इस फाइल को डाउनलोड करें और मेरे साथ अभ्यास करें। हमने पहले ही वो कमांड देख ली है जो इस फाइल के ऊपर है। यह कमांड पैराग्राफ इंडेंट को हटाती है। हम एक नियत कार्य द्वारा इस कथन के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। हम ग्रीक चिन्हों के साथ शुरू करते हैं जो गणित में उपयोग होते हैं। हम LaTeX में गणितीय मोड में जाने के लिए डॉलर चिन्ह का उपयोग करते हैं। हम अल्फा के साथ शुरू करते हैं। हम डॉलर बैकस्लैश अल्फा डॉलर लिखते हैं। अब कंपाइल करते हैं और PDF में ग्रीक अक्षर अल्फा देखते हैं। पहला डॉलर दिखाता है कि हम गणितीय मोड में जा रहे हैं। दूसरा डॉलर दिखाता है कि हम इस मोड को छोड़ रहे हैं। अब से मैं डॉलर या बैकस्लैश का स्पष्टतया से उल्लेख नहीं करूंगी, लेकिन आपको बिल्कुल वही करना है जो आप स्क्रीन पर देखते हैं। उसी प्रकार हम बीटा, गामा और डेल्टा लिखते हैं। अब कंपाइल करते हैं। मैंने टेक फाइल को सेव नहीं किया क्योंकि TechWorks यह अपने आप करता है। इन्हें डिलीट करते हैं। आगे हम गणितीय अभिव्यक्ति में स्पेसेस के सिद्धांत से शुरू करेंगे। हम अल्फा ए को कैसे बनाते हैं जो अल्फा और ए का गुणनफल है। अब अल्फा ए की कोशिश करते हैं। कंपाइल करते हैं। LaTeX बताता है कि अल्फा ए एक अपरिभाषित कंट्रोल सीक्वेंस है। बताता है कि यह इस कमांड को नहीं समझता। मैं इसे बंद करती हूँ। LaTeX प्रत्येक कमांड के बाद एक स्पेस से इसे हैंडल करता है। अल्फा के बाद एक स्पेस देते हैं। कंपाइलेशन को रद्द करते हैं। दोबारा कंपाइल करते हैं। इसने समस्या हल कर दी। चूंकि यह एक कमांड को निलंबित करने में उपयोग होता है, वो स्पेस PDF में नहीं दिखता है। यदि हम आउटपुट में स्पेसेस लाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? हमें LaTeX को स्पष्टता से बताना है, जैसे हम अभी करते हैं। अब हम LaTeX से एक नई लाइन शुरू करने को कहते हैं। अब हम अल्फा बैकस्लैश स्पेस ए लिखते हैं। कंपाइल करते हैं। यह स्पेस देता है। यदि आप ज्यादा स्पेस चाहते हैं तो क्वाड उपयोग करें, जैसे हम अभी करते हैं। कंपाइल करते हैं। आप देख सकते हैं कि क्वाड ज्यादा स्पेस देता है। अब हम अन्य विषय पर जाते हैं। अब आखिरी दो लाइनें डिलीट करते हैं। कंपाइल करें। फॉन्ट में क्या होता है जब हम टेक्स्ट से गणितीय मोड में जाते हैं? इसे समझने के लिए अब लिखते हैं
product of alpha and a is, compile करें। आप देख सकते हैं कि दोनों a का font भिन्न भिन्न है। इस a को भी dollar चिन्ह के अंदर लिखने से यह हल होता है। compile करते हैं। अब इन दोनों a का font समान है। variables के font को समान ना रखना एक सामान्य गलती है। अब इन्हें हटाते हैं। compile करते हैं। माइनस चिन्ह लाने के लिए एक नियम पर चर्चा करते हैं। मानिए कि हम माइनस अल्फा लिखना और कंपाइल करना चाहते हैं। कंपाइल करें। ध्यान दें कि यहाँ माइनस चिन्ह एक छोटे डैश की तरह दिखता है। हम डॉलर चिन्ह के अंदर भी माइनस चिन्ह कॉपी कर सकते हैं। दोबारा कंपाइल करते हैं। अब माइनस चिन्हों के बीच अंतर देखें। दूसरा वाला वो है जिसकी हमें जरूरत है। डैश उपयोग नहीं किया जाना है। डॉलर चिन्हों में माइनस चिन्ह ना रखना नौसिखियों की सामान्य गलती है। इन सभी को डिलीट करते हैं। आगे हम फ्रैक कमांड को समझाएंगे जो फ्रैक्शंस बनाने में उपयोग होती है। फ्रैक ए बी कंपाइल करें। यह a by b बनाता है। फ्रैक कमांड स्पेस से समाप्त होती है। यह दो आर्ग्यूमेंट्स के लिए दिखती है। पहला कैरेक्टर a पहले आर्ग्यूमेंट की तरह लिया जाता है। यह न्यूमरेटर यानी अंश बनता है। दूसरा कैरेक्टर b दूसरे आर्ग्यूमेंट की तरह लिया जाता है। यह डिनोमिनेटर यानी हर बनता है। ध्यान दें कि a और b का साइज अपने आप ही छोटा हो जाता है। क्या होता है यदि लंबे कैरेक्टर्स हों? क्या होता है यदि हम ab by cd बनाना चाहते हैं? मैं चाहती हूं कि आप इसकी कोशिश करें। लेटेक में एक कैरेक्टर से लंबे आर्ग्यूमेंट्स ब्रैकेट्स से बंद किए जाते हैं। उदाहरण के लिए यहां ब्रैकेट्स लगाते हैं। जब हम इसे कंपाइल करते हैं तो हमें वांछित आउटपुट मिलता है। ब्रैकेट्स में सभी प्रविष्टियां सिंगल आर्ग्यूमेंट की तरह ली जाती हैं। परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति भी ब्रैकेट्स में किसी भी एक्सप्रेशन को प्रविष्ट कर सकता है। अब इन सभी को डिलीट करते हैं। अब हम सबस्क्रिप्ट्स और सुपरस्क्रिप्ट्स देखेंगे। x_a x सब a बनाता है। a का साइज एक उचित स्तर तक अपने आप ही घट जाता है। क्या होता है यदि हम ab को सबस्क्रिप्ट की तरह चाहते हैं? आपको ब्रैकेट्स उपयोग करने हैं। यह अपने आप करें। सुपरस्क्रिप्ट्स कैरेट या अप एरो चिन्ह से बनती हैं। उदाहरण के लिए यदि आप x की घात 3 बनाना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा x अप एरो 3। हम सबस्क्रिप्ट्स और सुपरस्क्रिप्ट्स एक साथ भी लिख सकते हैं। अब x सब a सुपरस्क्रिप्ट b लिखते हैं। कंपाइल करते हैं। एक बार फिर ब्रैकेट्स उपयोग करके हम जटिल सबस्क्रिप्ट्स और सुपरस्क्रिप्ट्स बना सकते हैं। मैं इसे डिलीट करती हूँ। आगे हम मैट्रिसेस पर जाएंगे। AMS Math पैकेज कुछ मैट्रिक्स परिभाषाएं रखता है जो मुझे पसंद है। हम इसे use package कमांड से सम्मिलित करते हैं। ampersand यानी and चिन्ह कॉलम्स को अलग करने में उपयोग किया जाता है। अब एक मैट्रिक्स बनाते हैं। हम begin मैट्रिक्स a और b, end मैट्रिक्स लिखते हैं। डॉलर चिन्ह को ना भूलें। कंपाइल करें और अपेक्षित की तरह मैट्रिक्स देखें। अब मानिए हम इसमें एक दूसरी रो जोड़ना चाहते हैं। हम तो बैक स्लैशेस डालते हैं जिसका मतलब है अगली लाइन में जाना।
मानिए दूसरी रो में हम तीन प्रविष्टियां चाहते हैं जैसे C, D, E। कंपाइल करें और अभी शामिल हुई दूसरी रो को भी देखें। मानिए हम मैट्रिक्स को बिगिन और एंड में P मैट्रिक्स में बदलना चाहते हैं। कंपाइल करें और यह मिलता है। अब समय है कि आप पता लगाएं। अब हम स्लाइड्स पर वापस जाते हैं। अब सारांशित करते हैं कि हमने इस ट्यूटोरियल में क्या सीखा। गणितीय मोड में जाना और बाहर आना, स्पेसेस उपयोग करना और उन्हें बनाना, फ्रैक्शंस, सबस्क्रिप्ट्स और सुपरस्क्रिप्ट्स, ब्रैकेट्स में एक आर्ग्यूमेंट परिभाषित करना, मैट्रिसेस बनाने के लिए AMS मैप पैकेज। अब मैं कुछ नियत कार्य देती हूँ। यह नियत कार्य स्पेसेस पर है। बड़े और छोटे, वीडियो को रोकें, स्लाइड को पढ़ें और नियत कार्य करें। यह नियत कार्य ब्रैकेट्स उपयोग करके फ्रैक्शंस पर है। यह नियत कार्य सबस्क्रिप्ट्स और सुपरस्क्रिप्ट्स पर है। इस नियत कार्य से हम मैट्रिसेस बनाने के कुछ अन्य मेथड्स सीखेंगे। यह नियत कार्य अधिक गणितीय चिन्हों को बनाने पर है। यह TUG इंडिया लेटेक गाइड पर आधारित है। हम अभी वो डॉक्यूमेंट देखते हैं। मैंने आपसे पहले ही हमारे वेब पेज से इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने को कहा है। आप इस डॉक्यूमेंट में दिए कुछ चिन्हों को दोबारा करेंगे। अगले नियत कार्य में आप अधिक चिन्हों की कोशिश करेंगे। यह नियत कार्य भी TUG इंडिया डॉक्यूमेंट पर आधारित है। आप इस नियत कार्य में पैराग्राफ इंडेंट के साथ परीक्षण करेंगे। यह हमें इस ट्यूटोरियल के अंत में लाता है। यह वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। हम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाते हैं, प्रमाण पत्र देते हैं। कृपया हमसे संपर्क करें। क्या आपको इस स्पोकन ट्यूटोरियल में कोई प्रश्न है? कृपया इस साइट पर जाएं, जहां आपको प्रश्न है वो मिनट और सेकंड चुनें। संक्षिप्त में अपना प्रश्न पूछें। हमारी टीम से कोई उनका उत्तर देगा। स्पोकन ट्यूटोरियल फोरम इस ट्यूटोरियल पर विशेष प्रश्नों के लिए है। कृपया असंबंधित और सामान्य प्रश्न पोस्ट न करें। यह अव्यवस्था को कम करने में मदद करेगा। कम अव्यवस्था के साथ हम इन चर्चाओं को शिक्षण सामग्री की तरह उपयोग कर सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल में कवर नहीं किए हुए विषयों के लिए इस एड्रेस पर स्टैक एक्सचेंज पर जाएं। लेटेक पर उत्तर प्राप्त करने का यह बहुत अच्छा स्थान है। आपके पास कार्यशालाओं, प्रमाण पत्रों आदि पर भी प्रश्न हो सकते हैं। इसके लिए इस ईमेल एड्रेस पर हमसे संपर्क में रहें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट भारत सरकार के MHRD के NMEICT द्वारा निधिबद्ध है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।